मैटर नहीं करते, बस ये मैटर करता है, तुझे मैटर करता है भैया, अनफॉलो फॉलो मुझे मैटर फॉलो, हाँ अनफॉलो ये लगता है कि कुछ हमने गलती कर दी है क्या भैया ने अनफॉलो कर दिया, बस ये और फॉलो वालो फॉलो से हमें कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं फॉलो करिएगा एक फॉलो स्वत का पड़ी होगी दिक्कत, जब ही तो बोला भाई बस ये पड़े थे कि भैया का ऐसा सोशल मीडिया का प्यार नहीं है शिवानी, मेरा सोशल मीडिया का प्यार नहीं है, मेरा सोशल मीडिया वाला प्यार नहीं है, जो है मुंह पे है, कल को इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए तो क्या करेगी भैया, ये ना करो कि इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए, इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए सबके फॉलोवर चले जाए, आपके भी चले जाएंगे, हमारे भी चले जाएंगे, टिकटॉक गए सबके गए हमारे भी गए, पहले सुनने की शक्ति रखा अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनने की ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया वाला प्यार नहीं है कि तुम्हारे फॉलोवर है, सोशल मीडिया वाला भैया आप ये कह रहे हो कि हाँ हमारा मैनेजर जिसको देखता है जो लाइक नहीं है उसको अनफॉलो कर देता तो है, बात की बात है ना, अभी आप बात वही बात कह रहे हैं, अभी कल की बात कल खत्म कर तब तो तुम्हारी बड़प्पन समझते कि नहीं भैया कल हमारी बात हो गई भैया की बात हो गई, अब सुबह नॉर्मल है सब, लेकिन आप उस चीज को अब भी उठा के रख रहे हो, उठा के नहीं बात भैया ये बात नहीं होती, इंसान नहीं भूलता शिवानी, चुभी चीज नहीं भूलता, मैं तो नहीं भूलता बात भाई, आप जब से आए तब से हमारे साथ में गेम खेल लो आपके मुंह पे कह रहे आपको लगा होगा भैया कि लो शिवानी कैसे यहाँ आ गई, तो हमें पता ही है भैया आप क्या सोचते हो, तेरी सोच है शिवानी वो मेरी नहीं, मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है, इतनी छोटी छोटी सोच तो आप भैया इतना समझते नहीं थे, हम ये सोचते थे कि भाभी बहुत चंट है लेकिन आप उनसे सबसे चंट हो, शुक्र है चंट का मतलब होता है दिमाग वाला, दिमाग वाला नहीं और चालू, चंट हर चीज में अपना चालू दिखाए अपना दिमाग दिखाए उसमें इंसान हर बार गलत हो जाता है भैया, चलो कोई बात नहीं शिवानी तू ठीक है हम गलत है, हम तो ठीक ही है भैया, हम कह रहे हैं तुम ठीक हो हम गलत हैं, हम कुछ कह रहे हैं हाँ तो बस भैया ये थोड़ी ना हो तो जो अभी हो तो आप हमारे मुंह पे बोल दो बात खत्म, अब ये नहीं भैया कि आप उनसे भी कहो उनसे, हमने आपकी सुबह से मुनीसा जी ने कहा हमने भैया जो बात हो गई कल हो गई अब बात मत करो, शिवानी उसने ये बोला कि मुझे एक दो दिन लगेंगे ठीक होने में, सुना कर जब मनीषा वहाँ बैठी थी मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग मनीषा जी, तो उसने बोला छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो, तो उसने बोला हाँ अरमान मुझे एक दो दिन लगेंगे ठीक होने में, समझा करो बात को, नहीं वो नहीं कह रहे, और जब तुम यहाँ बैठे थे तब बोले हमने कि और क्या हो गया कि बस थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है, उसके बाद हमने कहा अरे छोड़ो जो भी बात होती है, उसके बाद तुम गए कि मुनीसा जी छोटी छोटी तब वो बोली कि मुझे लगेंगी दो तीन दिन, मतलब जब वो आपकी बात कर रही जैसे आपने अभी साई केतन भाई से बात की मेरे बारे में ऐसे वो भी बात कर रही थी, मैंने तुरंत जवाब दिया कि भाई जो कल हो गया वो हो गया अब उसको मत उखाड़ो, लेकिन इंसान जो बात हो जाती है उसको, अब मेरी नेजी भाई से अंडरस्टैंडिंग लड़ाई हो गई, हमने बोला हमने भाई ऐसी ऐसी बात ये बात हमें आपकी गलत लगी, तो बोला ठीक है बहन ये ऐसे हम आपने मेरी समझ नहीं पाई बात खत्म वहीं से बात खत्म हो गई, तुम्हारी बातें की बात हो शिवानी वो ठीक है, तू कल मुझे आके बोलती है विशाल ये वो एक्स वाई जेड ठीक है, मैं तो भैया विशाल को हम बोले थे हमने कहा अरमान भाई को हम बोले हैं उसको हम ही गलत लगेंगे कि हम उसे टोक रहे हैं, तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, इनको समझनी चाहिए ना ये चीज़, कल रात को भी मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप मत बोलो किसी को, अब साई था साई पहले बीच में इन्वॉल्व होता अब तक सही हो गया ना वो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो साई, अब क्यों कोई आके नहीं छेड़ेगा तुम्हें पता है, क्योंकि सिंह किसी को नहीं लगे हैं, जब तक तुम किसी को नहीं बोलोगे वो कोई तुम्हें नहीं बोलेगा, बहस नहीं कर रहे भैया ये हमें अभी बहुत गलत लगा कि गलत बताओ क्या, मैं कौन कल जो चीज होगी उसको लेके भैया अभी भी बैठे और सामने बहुत अच्छे बन रहे, बात तो होगी शिवानी ये थोड़ी तुम किसी को गाली बक दो और वो कह देगा भैया चलो खत्म करो, तो गाली बकी नहीं, अरे भैया बहस नहीं होती, तेरे को नहीं समझ में आता मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये नहीं भैया कहते कि कोई चलो ये बात तो मेरे साथ रहे, अपने आप पे लेती है कि तू यहाँ की वहाँ करती है क्या, जब तू यहाँ बैठी थी हाँ? मैंने बोला सना मकबूल वहाँ भी बैठती है यहाँ भी बैठती है बहुत समझदार है दिमाग वाली है, यही हमने उसको बोला,
मतलब करती है ना यहाँ की वहाँ, यही उसको यहाँ की वहाँ नहीं करते। और ये क्या होता है, क्या होता है, तू यहाँ सुन के वहाँ बोले, यहाँ की वहाँ नहीं करते। पता है तुझे भी, पता मुझे भी पता, सबको पता, शिवानी सफाई देने से कोई फायदा नहीं। हम यहाँ के वहाँ नहीं करते भैया, आपकी तरह सफाई देने से फायदा है? हम सफाई नहीं दे रहे, वो ऑडियंस देख रही है, बाहर जाके सब पता चल जाएगा। छोड़ देना यहाँ की 15 लोग उनके बीच में, तो अच्छे बन जाओ। यहाँ यहाँ किसके सामने, यहाँ किसी के साथ भी अच्छा करोगे, यहाँ काटने का इंसान दौड़ेगा। यहाँ हमें अच्छा नहीं बनना, हमें बाहर अच्छा बनना है। यहाँ भी अच्छे बने हैं हम, मैं कहता हूँ और अच्छा बन। जो अच्छा नहीं होता वही अंदर की चुगलियों को दूर कर। हम भैया, मेरे अंदर चुगली पुगली नहीं है, ये शिवानी चुगली आपके अंदर है, कोई भी बैठ जाए। ये बता, मैंने गलत किया? पर यहाँ की बात वहाँ कर देगी। एक आदमी कह रहा है कि भाई ये है, तू वहाँ जाके मतलब कोई टॉपिक तो होता नहीं तुम्हारे पास बात करने का। हमारे पास टॉपिक तो हजारों हैं, हजार टॉपिक है भैया हमारे पास। अपनी आदतों को सुधारो, समझे कि चलो अरे उसने बात कह दी यही छोड़ दो, अरे उसने कह दी छोड़, लेकिन तुम तो उन्हीं बात को उठा के आप ही कह रहे थे भैया कि ये गेम है, गेम के तरीके खेला जाएगा। सोचा जाता शिवानी, गेम और चुगली में फर्क है। आप करते हो भैया, वो तो पता है सबको, हमें भी पता है कौन क्या है, सबको पता है, हमें भी पता है, इसको भी पता है, अंदर 5-7 लोग हैं उनको भी पता है। तू अपने फिटनेस पे तो ध्यान दे। अरे हम तो फिट है भैया, चल जिसको फिट होना वो ध्यान दे। सुबह सुबह खून जला के घंटा कुछ हम तो भाई सारे आम कहते हैं, ये तो है नहीं किसी कोने में बिठा के बंद करके बैठा के बोलते हो भैया। बोलेंगे भैया रोज, तो बोलेंगे जो घटिया होगा इस घर में उसके बारे में बोलेंगे। क्या होगा? जो घटिया होगा उसके बारे में बोलेंगे। घटिया तो आपसे सब, आपसे ज्यादा कोई होगा? कोई बात नहीं, सबको पता है, सबको पता कौन कितना दूध का दूल्हा, सबको पता है। इधर कोई है भी नहीं भैया। अब नाम लेके बोला अगर मुझे भैया भैया मत बोल, ठीक है? हाँ बस बात बता दी। कल फिर ये बोलेंगे कि भैया ये है वो है, नाम लेके बोला अगर। हमारे घर में ये नहीं सिखाया गया है भैया। तुम्हारे घर में तो ये चुगली भी नहीं सिखाई गई, तब भी करती है, तब भी करती है। चुगली नहीं करते हैं भैया, सबको पता है, सबको पता है शिवानी। चुगली नहीं करते, आप चुगली करते हो। मुझे लगता है कि भैया तू सिर्फ एक नाम के लिए बोलते हो, मीम बनाते हो भैया। सबको पता है कितनी चुगलखोर है, छोटी छोटी चीजों को आप इतना दिल पे लेते हो। कल से जब लेंगे भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट है तो लेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट है तो लेंगे। नाम लिया मैंने तो कुछ नहीं कहा। किसका नाम लिया? मेरा। क्या आपको कल से जब से तब से भैया ये सब का ड्रामा कर रहे हो? अरे चल यार, देर से बेफिक्री की बात है। भैया आपको धक्का लगा जब हम हुए थे, आज हम हुए, हमें तो नहीं लगा कुछ भी। जब पहली बार हम हुए थे तब हमको लगा, तब तुम कह रहे थे बच्चा ये, आप हमसे भी ज्यादा बच्चा बन गए भैया। का तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है शिवानी, यहाँ फर्क वो पड़ रहा है जो है। जो आदमी चुगलखोर होता है ना उससे फर्क पड़ता है। जब रावण को मरवा सकता है ना, तो यहाँ वो लोग हैं जो साथ बैठ के चुगलिया करते हैं। मुंह पे बोलना, मुंह पे तो तुम कभी किसी के बोल ही नहीं सकते। अरे किसी के कहलवा ले मुंह पे, जाओ भैया तेरे मुंह पे तो बोल रहा हूँ, कोने में तो नहीं लेके जा रहा, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। क्या था भैया, ये चुगली थी? ये चुगली होती है, कोने में सरेआम घूम के बोल रहा हूँ, सरेआम घूम के, सरेआम सुन ली और बस सुन ली के कान में बोल रहा हूँ, जोर जोर से बोल रहा हूँ, जोर जोर से। आपने सोचा है नहीं कोई, चलो बोल लेते हैं। ओहो, वो तो थे ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। आप बहुत शरीफ बंदे हो। अरे मंद बुद्धि है तू, पहले अपने दिमाग को चला। मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि, दिमाग का वर्कआउट किया अगर, और चुगली छोड़ दे। शरीर का नहीं, थोड़ा दिमाग का। चुगली छोड़ दे, शरीर फिटनेस। चुगली छोड़ दे शिवानी, चुगली छोड़ दे। जैसे तुम चुगली छोड़ दे, चुगलखोर बनना बंद कर दे। अरमान भैया बहुत समझदार, लेकिन सबसे कम दिमाग ठस बुद्धि का तो तुम्हें ही दिख रहे हैं हमें। कोई बात नहीं।
अब मंद बुद्धि से बात करने का मेरा तो कोई इच्छा है नहीं। तो हम भी नहीं करते, रोटी आई है, रोटी नहीं आई है नंबर बनाने, तू ही आई है, मैं तो नहीं गया ना तेरे पास। क्या तू ही आगे बैठी है ना यहाँ पे, मैं तो नहीं गया ना। आप ही मेरे नाम लेके वहाँ, आप ही मेरे नाम की कहानियाँ सुबह से शाम तक चलती है यहाँ। मेरा अनफॉलो कर दिया, अब बता दे क्यों किया, अनफॉलो कर दिया। आप इतने छोटी छोटी चीज आपने अनफॉलो किया। अरे जो जिसको लायक नहीं समझता मेरा मैनेजर अनफॉलो कर देता है, ये भी कोई बात है? आप उससे एक बार पूछो कि अनफॉलो करने की वजह क्या है। आप दिमाग की जरूरत तेरे मैनेजर नहीं है, भिजवा दे तेरे लिए। मेरी मम्मी का कहा तुम बोले हो, मैनेजर बोला ध्यान से सुन ले बात करी।